आज मैं बनाने वाली हूँ चिली पटेटो। पहले हम आलू को इस तरह से फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट लेंगे, फिर उन्हें नमक डालकर 2 या 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। फिर उनका पानी निकालकर सबसे पहले उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक, लाल मिर्च और इन्हें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद हम उन्हें मीडियम टू लो हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें एक एक पीस अलग अलग डालना है, अगर हम सारा एक साथ डाल देंगे तो पीसेस सब चिपक जाएंगे। अब एक पैन में मैंने डाला है चॉप किया हुआ लहसुन। उनके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हमें किसी भी चीज़ को डार्क ब्राउन नहीं होना है, बस हल्का सा सोटे करना है, किसी भी चीज़ को पूरा गलाना या भूनना नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है डाइस किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज, उसके बाद 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक स्लरी बनाएंगे और उससे ये ग्रेवी बहुत गाढ़ी होती है और बहुत शाइनी बनती है, इसमें ग्लेज आता है। तो अब हमने डाल दिया कॉर्नफ्लोर का पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, टमाटो केचप डालेंगे और काली मिर्च डालकर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब ये देखिए हमारी ग्रेवी है तैयार। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें 2 स्पून हम डालेंगे विनेगर। ये हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पटेटो डाल देंगे और ये देखिए बहुत ही झटपट से बनने वाली चिली पटेटो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। हल्का सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे और ये देखिए कोरिएंडर से सजाएंगे।